तो बेसिकली गाइस इस वीडियो में मेरा मकसद यही था कि मैं अपने लिए यहाँ पर दो घर बना सकूं। तो गाइस सबसे पहले तो भाई मैं इस एक कोने पे यहाँ पर एक इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाने वाला हूँ, बिकॉज गाइस मैं बार बार यहाँ पर पानी के लिए नहीं भागने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा इन्फिनिट वाटर सोर्स बन चुका है। एंड गाइस मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है यहाँ पे इस पूरी की पूरी जगह को भरने का। इसके लिए मुझे बहुत सारे प्लैंक्स की जरूरत पड़ने वाली है, सारी की सारी जगह को गाइस मैं अभी यहाँ पर नहीं हूँ, प्लैंक से भरने वाला हूँ लाइक दिस। Now guys, समय आ चुका है इनको तोड़ने का। एंड अब गाइस जो मैंने ये वुड का फ्लोर यहाँ पर बनाया था ना, इसको तोड़ने का टाइम है, बिकॉज अब हर जगह पर यहाँ पे इन्फिनिट वाटर सोर्स बन चुका है, तुम लोग देख सकते हो। अब अगर मैं इस फ्लोर को तोड़ता हूँ तो ये पूरी की पूरी जगह गाइस हमारा एक स्विमिंग पूल बन जाएगा। जो भी है अभी मुझे इसके अंदर पानी लाकर भरना है, उसके बाद ये एक लेक जैसी दिखेगी। और पानी भरने के लिए ना मैं ऐसे मतलब एक एक वाटर बकेट तो बैठकर यहाँ पर डालूंगा नहीं, वरना बहुत ज्यादा टाइम जाएगा पूरा लेक को भरने में। मैं क्या करूंगा, मैं जा रहा हूँ सीधा इस टाइम पर आइस बायोम, वहां से ना आइस लेकर आते हैं और आइस को मैं पिघला दूंगा लगाने के बाद, तो तुरंत पानी भर जाएगा सारा। लेट्स गो। तो अभी फटाफट से हम लोग निकलते हैं सीधा आइस बायोम के लिए, जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है बट हाँ थोड़ी दूर तो है। ऑलराइट, तो ये मैं पहुंच चुका हूँ आइस बायोम में। यहाँ से मुझे ढेर सारी आइस इकट्ठी करनी है अपनी इस डायमंड वाली पिकैक्स से। लेट्स गो, जल्दी से यहाँ पर लैंड होते हैं और फटाफट से ढेर सारी मैं तोड़ लेता हूँ। तो ये मैं वापस आ चुका हूँ और अब मुझे यहाँ से काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था मुझको पूरी लेक को भरना है, तो जो एरिया से हवा वाला है ना मेनली उसमें दिक्कत आती है, बाकी जैसे ये सब है ना ये आसानी से हो जाएगा। तो मुझे बस यहाँ पर कुछ इस तरीके से आइस को रखना है और जब ये टूटेंगे ना, देखो जैसे मैं इसे तोड़ूंगा तो ये अपने आप ही सारा पानी बन जाएगा, बट मुझे हाथ से मैनुअली तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सीधा टॉर्च ला के रखूंगा, और ये अपने वैसे टॉर्च भी लाकर क्यों रखनी है यार, मेरे पास तो ये मस्त पिकैक्स है ना, मैं ये भी तो मार सकता हूँ। तो ठीक है, पहले पूरा ना इसे बना ही देते हैं, उसके बाद पिकैक्स से तोड़ लेंगे, फिलहाल अभी इसे पूरा कवर करते हैं। लेट्स गो गाइस। तो फाइनली मैंने दोनों लेक के ऊपर कुछ इस तरीके से आइस को लगा दिया है और इसको पिघलाने के लिए मैं ढेर सारी टॉर्च बनाकर ले आया हूँ। तो अब बस मुझे ना टॉर्च को ऐसे रेंडमली यहाँ पर रखना है, मतलब ये शायद से ना अपने ब्लॉक का और अगल बगल के ब्लॉक का शायद से पिघला देती है, मैंने कभी ये चीज करी नहीं है बट मुझे इसके बारे में पता है, एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। ये देखो यहाँ का पानी पिघलना शुरू हो गया। अब फटाफट से हर जगह मैं टॉर्च लगा देता हूँ, कहीं का भी एरिया नहीं बचना चाहिए, हर जगह हर गली गली पानी पहुंचेगा भाई। ओके, तो हर तरफ मैंने टॉर्च लगा दी है और शायद से इतनी टॉर्च में अपना काम हो जाना चाहिए। वेट, अभी तो इधर की लेक ही नहीं हुई है, मतलब मस्त लग रही है, ऐसी ऐसी अच्छी लग रही है मेरे को। टॉर्च भर भर के लगा रहा हूँ फिर भी इतना टाइम लग रहा है यार। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वैसे अपना जो लेक है ना वो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक बार ऊपर चलकर देखते हैं। और अभी इसकी लुक भाई सचमुच में बहुत ही ज्यादा मस्त हो गई है। मैं तो सोच रहा हूँ जो बीच बीच में आइस बची है ना इसको भी रहने ही देते हैं। वैसे नहीं, हट जाएगी तो ही ठीक है, तो एक अलग फील है।